Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good, you all are fine, you all are safe. और आज की वीडियो में मैं अपनी बेटी के साथ नाइजीरिया के शॉपराइट मॉल में जा रही हूँ और वहाँ पे हम कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे बेटी के लिए. एज मैंने उसको प्रॉमिस किया था, उसका बेस्ट रिजल्ट आने पे उसको मैं कुछ भी जो भी वो मांगती है टॉय उसको दिलाऊंगी. और थोड़ा सा हम लोग आउटिंग करेंगे, मज़ा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आफ्टर जो ये एग्ज़ाम वाला स्ट्रेस रहता है उसके बाद बच्चों को आई थिंक थोड़ा सा आउटिंग कराना चाहिए ताकि वो जो स्ट्रेस लेवल है उनके माइंड का वो फ्रेश हो जाए और नया स्टार्ट कर पाए. तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए. सो लेट गेट स्टार्टेड. जो ये शॉपराइट मॉल है ये यहाँ का काफ़ी बड़ा मॉल है. यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स लगभग मिल जाएंगे लेडीज़ के लिए, ज़्यादा नहीं लेकिन मैंगो है, टॉमी है और दो चार ऐसे अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको इस मॉल में मिल जाएंगे. बच्चों के लिए भी काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, टॉयज़ की काफ़ी ऑप्शन है, मेकअप कॉस्मेटिक्स जितनी भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इस मॉल में. इस मॉल के साथ ही मिनीसो का स्टोर भी है तो वहाँ से भी हम लगभग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. एक तो वो हमारे बजट के अंदर रहता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. Coronavirus, and it's compulsory here to wash your hands. If you don't wash your hands, it will germs will touch everywhere, and you will have coronavirus. So please be safe. तो सबसे पहले हम मिनीसो के स्टोर पे गए और वहाँ पे सारिशा को कुछ स्टेशनरी लेनी थी तो वो वहाँ से मिनीसो से अच्छी मिल जाती है तो वहाँ से उसने पेंसिल्स, पेन और डायरीज अपने लिए ले ली. और उसको एक डॉल चाहिए थी, वो डॉल मिनीसो के स्टोर पे नहीं मिली तो उसके बाद हम लोग शॉपराइट के अंदर एक स्टोर है गेम, वहाँ चले गए. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं और वो कॉस्टली भी ज़्यादा हैं. इंडियन रेट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली रहता है और डबल प्राइस ही समझो. तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से कुछ ना ही लूँ अंटी अनलेस हमें कोई इमरजेंसी नहीं है या किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी नहीं आ रही है. तो किसी को अगर गिफ्ट देना है तो हमें इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ से लेना ही पड़ता है. अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंडिया से ही सब लेकर आऊँ
और अपने फ्रेंड सर्कल में तो हमें पता ही रहता है कि किसका बर्थडे आने वाला है, किसकी एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं गिफ्ट जो है इंडिया से ही लेके आती हूँ जब भी ट्रैवल करती हूँ, और अदरवाइज़ यहाँ पे तो जो स्टोर्स हैं वहीं से लेना पड़ेगा। तो मीसो के बाद हम गेम में चले गए, और यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी को छोड़ के आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो गेम्स का कलेक्शन है, चाहे स्पोर्ट्स का कलेक्शन है, चाहे होम एक्सेसरीज, जो भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। और सारिशा के दिमाग से बारबी वाला फीवर जो है ना वो कभी उतरता नहीं है, उसके पास लगभग आई थिंक 10 के करीब बारबी डॉल्स हैं, लेकिन हर टाइम उसको कोई ना कोई नई बारबी डॉल चाहिए होती है। कभी जिमनास्टिक बारबी चाहिए, कभी कौन सी बारबी चाहिए, पता नहीं कौन कौन से नाम है, मुझे तो कभी याद ही नहीं होते, लेकिन अभी भी वो इसी चीज़ के लिए ज़िद कर रही थी कि मुझे ये वाली बारबी ले दो, एयरपोर्ट बारबी चाहिए, उसका कुछ लगेज रहता है, आई डोंट नो, ये बच्चे ही जाने, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था। और फिर उसने एनचेंटिमल एक डॉल है उसको पसंद किया। बच्चों के लिए तो पूरी की पूरी टॉय शॉप ही अगर हम खरीद लेना तो वो भी कम लगती है, तो उसका मन करा था कि वो सारी ले ले, उसको एक मैंने कहा था कि एक लेनी है, लेकिन वो चूज ही नहीं कर पा रही थी कि उसको लेना क्या है, इतने टॉयज देख के वो इतना परेशान हुई, लेकिन हमें तो एक ही लेनी थी और वो भी अपने बजट में, तो फाइनली उसने एक सिलेक्ट कर ली, और काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन ठीक है, तो पूरे साल की उसकी मेहनत थी, और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसको एक डॉल दिलाऊंगी, तो ठीक है, उसको बजट मैंने बता दिया था, उसी के बीच में उसने लिया, वो भी हैप्पी और मैं भी हैप्पी। और बच्चे होते ही हैं रूल तोड़ने के लिए, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो स्टेशनरी हमने मिनीसो से ले ली, गेम से हमने डॉल ले ली, तो अब बारी थी सारिशा की आइसक्रीम खाने की, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टोर है कोल्ड स्टोन, और यहाँ पे आइसक्रीम जो फ्लेवर्स हैं उसके बहुत ही अच्छे हैं, केक भी यहाँ का बहुत अच्छा है। और इन सब के बीच में लंच टाइम हो ही गया था, तो मैंने और सारिशा ने डिसाइड किया कि हम पॉज में चलते हैं, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ की जो कॉफ़ी है वो बहुत अच्छी है, कपकेक भी बहुत ही टेस्टी है, तो सारिशा ने कपकेक ऑर्डर किए और मैंने मोका कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी।
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं और सारिशा एक दूसरे की कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉपिंग में तो वो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और मेरी कॉफ़ी आ चुकी है लेकिन सारिशा के अभी तक कप ठीक नहीं आए हैं, इसलिए सारिशा इतनी परेशान हो गई है अभी तक उसे कप केक आने पर। और रेस्टोरेंट के बाहर का जो एरिया है वो बहुत ही पीसफुल है, बहुत अच्छी गार्डनिंग यहाँ पे इन्होंने करी हुई है और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी कि बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के। इवनिंग टाइम पे तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, तो कई बार हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कॉफ़ी पीते हैं आके और इन्जॉय करते हैं यहाँ का। और एक और अच्छी बात हो गई, हम जब घर के लिए कैब हमने बुक की तो उस कैब में इंडियन सॉन्ग चल रहा था और सारिशा बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि मम्मा नाइजीरिया में कहाँ से इंडियन सॉन्ग चल रहा है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी और सारिशा की ट्यूनिंग आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।